वेरिएंट डायरेक्टर और जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर भी अब डायरेक्टर हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा तनुजा में संघर्ष कितना दुश्मन कितना मिला और आस्तूर के बाद कितना कितना फर्क आया। फर्क आया तो होगा ज़रूर। मैं ये मानना चाहूँगी कि जो पहली फिल्म में जो एक जुनून होता है और जो एक रिस्क लेने की इच्छा होती है वो अभी भी है मुझ में, क्योंकि पहली पिक्चर में आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, सिर्फ पाना ही पाना है, तो आपको डर बहुत कम होता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि क्रिएटिवली उसमें आप बहुत बढ़िया भी करते हैं और कभी कभी मतलब ख़राब शॉट भी लेते हैं, लेकिन वो सब जायज़ है क्योंकि पहली पिक्चर है उसमें सब चलता है, लेकिन उसमें से कुछ ब्रिलियंट स्ट्रोक्स भी निकलते हैं, तो वो एक मासूमियत और एक डर भी, लेकिन कुछ करने से डर नहीं, वो होना चाहिए ज़रूर थ्रू आउट योर करियर। तो आई वुड से कि हाँ, मेरी रिस्क लेने की इच्छा कम नहीं हुई है बिल्कुल। शायद थोड़ा सा आई वुड से कि कहानी में मैं शायद थोड़ा सा बचपना कम हो गया होगा, थोड़ी सी मुझे लगता है सीरियस शायद मेरा अप्रोच हो गया है फिल्म मेकिंग में। एक्चुअली आजकल हमारी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो दुश्मन के टाइम मुझे एक तरह से प्रोड्यूसर की तरफ से बहुत फ्रीडम थी, काफ़ी लग्जरी थी, ये बजट की इतनी कंस्ट्रेंट्स नहीं थी जो अब हैं। अब मुझे एक दिन भी एक्स्ट्रा अगर शूटिंग करनी पड़े तो मेरे प्रोड्यूसर के लिए बहुत भारी हो जाता है और मुझे भी सोचना पड़ता है कि नहीं, आई कांट शूट वन मोर डे, तो मैं कैसे उसको एडजस्ट करूँ। वो टेंशन तब नहीं था, वो टेंशन अब है, लेकिन बदलते हालात के साथ हमको चलते रहना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। तो आई फील कि मैं अब उस मोड पे हूँ जहाँ एक तरह से इस्टेब्लिश तो कर लिया है लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस जो चाहिए वो नहीं अब तक हासिल की, और वो चाहिए मुझे, मतलब वो मेरी ज़िद है क्योंकि मुझे चाहिए, प्लस ऑन माय टर्म्स चाहिए। ये नहीं कि मैं, अरे मेरे को बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिली है तो इसीलिए मैं चलो एक लव स्टोरी बनाती हूँ जिसमें एक गरीब लड़की और अमीर लड़का और ऐसी कोई भी कहानी ले लूँ। मैं अपने टर्म्स पर बॉक्स ऑफिस सक्सेस हासिल करना चाहती हूँ, अपनी तरह की कहानी बना के, ठीक है कम बजट में बनाऊंगी लेकिन फिर भी अच्छी बनाऊंगी, और उसमें मैं अपने एक्सपेरिमेंटल जो एक मेरा एक नेचर है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो आई वुड से दैट इन चार पिक्चरों में खुशी भी हुई है और दिल भी टूटा है और लोगों ने साथ छोड़ा भी है, क्योंकि अगर आप ऐसी पिक्चर बनाते हैं जिससे लोगों को पैसा ना मिले तो वो आपके टैलेंट को फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो उनको टैलेंट से इतनी दिलचस्पी नहीं क्योंकि उनके अपने ओपिनियन नहीं है, मार्केट ओपिनियन ही उनका ओपिनियन है। तो जैसे कि जब ये ज़िंदगी सफ़र बनी, ट्रायल के टाइम पे बहुत सारे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाँ हमारे लिए पिक्चर बनाओ, जैसी रिलीज़ हुई और हिट नहीं हुई, फ्लॉप हो गई, उसके इमीडिएटली बाद वही लोग मेरे साथ, मतलब एक थोड़ा सा डिस्टेंस अब उन्होंने कायम कर लिया था, वही लोग, तो जो लोग आपको टैलेंटेड समझते हैं, आपकी पिक्चर देख के कहते हैं अच्छी पिक्चर है, वही साथ छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब जिगर चाहिए, एक करेज चाहिए कि आप अपने आप को उनके ओपिनियन से नहीं तोलें। आप ये नहीं सोचें कि क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मुझ में टैलेंट नहीं है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। मैं सोचती हूँ हाँ मुझ में टैलेंट है और मैं एक आई एम अ पर्सन जो विद इन अ बजट आई डिलीवर अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और मैं अपने टर्म्स पे अपनी ज़िद के साथ अपने तरीके से बॉक्स ऑफिस सक्सेस 100% हासिल करूँगी और जल्दी। दुश्मन को किस हर किसी का डेब्यू फिल्म या डेब्यू कुछ तो कितना सेटिस्फेक्शन देता है दुश्मन? एक्चुअली हाल ही में वो आ रही थी केबल टीवी पे तो मैं सोची थी अरे यार ये कैसे ऐसा शॉट लिया ये शॉट कितना बुरा सा शॉट है, तो एक तरह से थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो रहा था मुझे अपनी ही पिक्चर देख के। बट लाइक आई सेड उसमें गलतियों के बावजूद एक जो एक मासूमियत के साथ एक नो एक नया कुछ करने की चाह थी, एक इच्छा होती है रिस्क लेने की, हाँ नहीं मैं इसी तरह से करूँगी, वो एक उसमें एक अदा भी थी जिसकी वजह से आई मीन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल लाइक इट वेरी मच, एंड मेरे लिए तो ऑफकोर्स स्पेशल पिक्चर है क्योंकि मेरी डेब्यू पिक्चर थी एंड इट विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन एज अ पिक्चर आई वुड से कि मुझे मेरा जो अपना एक क्षितिज है वो अभी बहुत दूर है, मुझे जो पाना है वो बहुत बहुत ज़्यादा अब तक जो पाया है वो बहुत कम है मेरे लिए एक तरह से शुरुआती है। आई वॉन्ट टू रीच अ वेरी ग्रेट हाइट एंड मेक यू नो ब्रिलियंट सिनेमा,
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल अभी भी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि मेरे को मेहनत किए बिना मिल जाएगा. क्यों मिलेगा, किसी को नहीं मिलता. तो मेहनत करूँगी और ज़रूर करूँगी और एंड आई विल गेट देयर. मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बिल्कुल नई डायरेक्टर, छोटी सी डायरेक्टर, वो संजय दत्त से और काजोल के एस्टैब्लिश एक्टर्स को किस तरह से? एक्चुअली सेट पे मैं बिल्कुल एक तरह से छोटी नहीं लगती, क्योंकि बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत ही मतलब एक डिक्टेटर टाइप ऑफ डायरेक्टर हूँ. मेरे असिस्टेंट तो बाप रे, शूटिंग के एट द एंड ऑफ द डे ना, जब पूरे दिन शूटिंग हो, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे अभी बस गिरने वाले हैं ज़मीन पे, क्योंकि बहुत डांटती हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि मैं आई एम आंसरेबल टू द प्रोड्यूसर. मुझे डिलीवर करना है, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है. आई वॉन्ट वेरी गुड एक्टिंग, आई वॉन्ट वेरी गुड शूटिंग. ये सब अगर मैं सबके साथ अच्छा अच्छा हाँ हेलो वेरी स्वीट या वेरी स्वीट ऐसे स्वीटली बात करूँगी, कुछ नहीं होगा. क्योंकि मेहनत अक्सर यूनिट में मैं पाती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, जो काम करते हैं, बाकी सब ऐसे ही बस बैठ के देखते रहते हैं, आलसी होते हैं. तो विद संजू एंड अक्षय तो आई हैड ए रियली गुड टाइम. मतलब आई बहुत ही एक तरह से अफेक्शन और फ्रेंडशिप हो गई थी एंड आई गॉट अलॉन्ग विद देम वेरी वेल. तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर आप किसी के साथ एक तरह से पावर गेम्स नहीं प्ले करते तो वो भी आपके साथ नहीं करते, क्योंकि वो देख सकते हैं कि ये हमसे अच्छा काम करवाना चाह रही है, अच्छी पिक्चर बनाना चाह रही है. क्यों वो उनको मतलब बेवकूफ़ होंगे अगर वो मेरे ही अपने ही आड़े आएंगे एक्चुअली. तो उनके साथ तो इट वाज वेरी मच लाइक, इनफैक्ट स्पेशली अक्षय, उसको तो मैं आई यूज टू से कम ऑन अक्षय, कम ऑन डू इट, वेरी बैड शॉट अक्षय इज लाइक ओके या सॉरी सॉरी टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू. सो बहुत ही एक तरह से समर्पित कर देते थे अपने आप को टोटली. इवन आशुतोष राणा, लकी अली भी, यू नो कि यू टेल अस व्हाट टू डू, एकदम एक टोटल ट्रस्ट. क्योंकि मुझे उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था आई यूज टू अक्षय कि आई थिंक यू आर बेटर एक्टर देन एनीबडी इन द होल इंडस्ट्री. तो एक उसमें अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था, क्योंकि आई न्यू ही कुड डू इट. बहुत आई पुश वेरी हार्ड, आई पुश द एक्टर्स कि नहीं यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर. तो थकावट तो होती है उनको, लेकिन फिर उनको एक अच्छा काम करने की इच्छा भी होती. तो आई हैड मतलब नो प्रॉब्लम, छोटा साइज में छोटा होना और लेकिन यू नो एक अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और नेचर होती है जिससे लोग आपको ऐसे छोटा नहीं समझते, यू नो. तो आई हैड नो प्रॉब्लम्स एट ऑल किसी भी एक्टर के साथ. काजोल के बारे में कुछ बता दीजिए हमें, जैसे मैं कह रहा था कि डबल रोल कर रही थी, उनको डायरेक्ट कर रही थी, एस्टैब्लिश एक्टर से कैसा रहा? एक्चुअली लाइक आई सेड, क्योंकि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये एस्टैब्लिश स्टार है और मैं नई डायरेक्टर हूँ. आई वॉज द पर्सन, मुझे पता था कि आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप. जो चाहिए इस पिक्चर में वो मुझसे ज़्यादा नहीं, कोई भी नहीं जानता. इस पिक्चर का अच्छा होना मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं चाहता. काजल की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट हो ये मैं उससे ज़्यादा चाहती हूँ. तो ये एक बहुत ही एक ऑनेस्टली आई यूज टू टेल देम एंड दे कैन सी कि हाँ, दे कैन सी इट क्लियरली कि शी इज़ नॉट ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट एंड ऑल दैट, यू नो. कुछ कुछ डायरेक्टर होते हैं जो यू नो दे ट्राई टू कि वो एक डायरेक्टर की अदा दिखाना चाहते हैं. मुझे काम से मतलब है, मैं काम करना चाहती हूँ. तो विद काजल ऑल्सो देर वॉज नो प्रॉब्लम. आई यूज टू इंस्ट्रक्ट हर थोड़ा बहुत, आई यूज टू पुश समटाइम्स वेरी हार्ड. तो शी यूज टू गेट टायर्ड बिकॉज आई यूज टू डू सेवरल टेक्स. तो कभी कभी थकावट हो जाती थी एंड शी यूज टू समटाइम्स से आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, टेल मी व्हाट यू वांट. एंड फिर एक वो एक फाइनली एक अनकही बात होती है जिस विच द एक्टर अंडरस्टैंड्स. और वो भी बहुत ही एक तरह से स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट कुछ उसमें से निकलता है, यू नो. तो आई यूज टू मतलब पुश हर हार्ड. शी नेवर गॉट हैंग्री और एनीथिंग. इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी उससे बिकॉज आई वॉज वॉन्टिंग टू वर्क विद हर अगेन. तो आई वेंट एंड मेट हर एंड शी वॉज वेरी अफेक्शनेट और बहुत ही फिल्मी बिल्कुल नहीं है काजल. यू नो यू माइट थिंक कि फिल्म स्टार है, बड़ी फिल्म स्टार है तो उस एक एटीट्यूड होगा फिल्म स्टार वाला, बिल्कुल नहीं है. शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसे जैसे आप और मैं मिलते हैं वैसे मिलती है. तो उसे कहना था कि दुश्मन ने मुझे सब कुछ दिया और आशुतोष के दुश्मन को देने वाली आप हैं. तो आशुतोष एक्चुअली उसने तमन्ना में जो मेरी पहली पिक्चर जो मैंने लिखी थी उसमें उसने एक सीन किया था और उस समय मुझे याद है कि वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड एक्टर था जो मतलब उसको मतलब लिमिट हो गई, अपने लिमिट तक पहुंच गया था कि उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए, मुझे कुछ बनना है, कि उसके आंखों में आंसू आ जाते थे. एंड उस समय मैं उससे कहती थी कि कोई बात नहीं आशुतोष, जस्ट बी स्ट्रांग, कुछ ना कुछ होगा. और
फिर सडनली जब दुश्मन बनी उस समय हालांकि वो नया था एंड देयर वर नॉट टू मेनी पीपल सेइंग कि हाँ आशुतोष को लो प्रोड्यूसर्स मैंने जब बोला आशुतोष को लेते हैं ही सर अच्छा चलो कोई बात नहीं ठीक है क्योंकि हीरो हीरोइन थे तो एक को नए को ले लो और मैंने उसको जब बताया तो मतलब वो ऐसे कूदा एकदम और कहा कि मैं ऑफिस के बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से चिल्लाना है खुशी के मारे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे पता था कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर उसको सिर्फ एक कमाल के रोल की ज़रूरत थी हालांकि आशुतोष की पहली पिक्चर में उसको उसने इतना अच्छा काम किया तो ये पता नहीं है एक्टर के लिए अच्छा है कि बुरा है पता नहीं क्योंकि पहली पिक्चर में ही आप अपने पीक पे पहुंच जाएं जो कि वो पहुंचा बिकॉज जो स्टार्स नहीं कर पाए वो उसने किया दुश्मन में एंड ऑफकोर्स रोल बहुत अच्छा था और बहुत मतलब मैं उसको डांट डांट के धक्का मार मार के उससे का अच्छा काम करवाया मैंने कि यू नो आई डोंट वांट अ ओके शॉट आई वांट नॉट इवन गुड आई वांट वेरी गुड शॉट हर शॉट में इट वाज वेरी गुड शॉट तो आशुतोष ने बहुत मेहनत की और ऑफकोर्स उसमें एक वो प्यास थी कुछ बनने की ना सिर्फ कि आप दूसरे बड़े स्टार्स की अच्छा काम देखें आप वो खुद बड़ा स्टार बनना चाहता था तो उसको ऑफकोर्स उसके बाद तो ही गॉट ऑल दी अवार्ड्स ऑल्सो और सबसे ज़्यादा मतलब प्रशंसा उसी की हुई एंड उसके बाद संघर्ष में एक्चुअली मैं किसी और को लेना चाहती थी क्योंकि संघर्ष में मैं चाहती थी कि पहले ही फ्रेम से ये ना पता चल जाए कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है और आशुतोष को देख के लोग तो समझ ही जाएंगे कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है तो मैंने उससे कहा कि आई विल टेक समबडी एल्स यू नो और उसको इस रोल के बारे में थोड़ा बहुत पता था कि एक सीन है जिसमें उसको औरत बनना है तो वो मुझे फ़ोन करके औरत की आवाज़ में बात करता था एंड आई डिड नॉट नो आशुतोष तो आई एम सेइंग कि या हु इज़ दिस ही सेइंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मैं आपसे बोला फिर बोलता था कैसी लगी मैं कैसा लगा मेरा ऑडिशन ऐसे ऑडिशन वॉज वेरी गुड तो मेरे मतलब पीछे पड़ के उसने रोल मतलब उसने लिया वो रोल और उसमें भी बहुत अच्छा काम किया एक जो एक एक डराने का एक लेवल जो आशुतोष अचीव कर सकता है वो बहुत कम दूसरे एक्टर कर सकते हैं मतलब एक बहुत ही अंदर से उसकी एक्टिंग होती है और पागलपन भी है एक्टिंग में और एक तरह से जुनून भी है और उससे डर भी लगता है पर आई डोंट नो बहुत कमाल की केमिस्ट्री है उसकी तो आई थिंक ऑफकोर्स इवन संघर्ष ही गॉट ऑल रेव रिव्यूज एवरीबडी लव्ड हिम उसकी बहन का रिएक्शन बहुत अच्छा था ट्रायल देखने के बाद उसने कहा छी मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती तो उसको बहुत खुशी हुई इनफैक्ट उसके बाद मैंने एक चैनल 9 की टेलीफिल्म भी की थी आशुतोष के साथ जिसमें वो पॉजिटिव रोल उसने किया था बहुत अच्छा किया मतलब उसमें एक भी एक सेकंड को भी विलनी की झलक नहीं नजर आई उसमें तो ही इज अ वेरी फाइन एक्टर वेरी गुड एक्टर आशुतोष रिलेटेड वही एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा आपको जब कभी मौका लगेगा तो आप उसको हाँ जरूर जब भी ऐसा अवसर मिले जब कोई बहुत ही कमाल का रोल हो तो 100% मैं आशुतोष के साथ फिर से काम करना चाहूंगी सिर्फ यही बहुत जरूरी है आशुतोष कि खुद के करियर के लिए कि वो हर पिक्चर एंड स्पेशली नाउ उसको इतनी कामयाबी उसको मिल गई है अब उसे फिर से उसी स्ट्रगलर की सेंसिबिलिटी से शुरू करना चाहिए काम अभी जो आगे जो फिल्में करे उसी थॉट प्रोसेस से करे और उसी माइंडसेट को लेके जैसे जैसा वो तब महसूस करता था जब उसको रोना आता था फ्रस्ट्रेशन के मारे जब उसके पास काम नहीं था उस अगर प्यास से और उस भावना के साथ वो काम करेगा तो अभी फिर से ही कैन हैव कीप हैविंग यू नो दीज waves of success जब आपकी दो फिल्में उसके बाद जिंदगी का ये सफर और सुर उसको वो एक्लेम कह सकते हैं कि नहीं मिला होगा तो उस समय आपके जो मेंटल स्टेट होता है वो मैं जानना चाहूँगा क्या जबकि लोग कहते हैं कि तनुजा इतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी या फिल्म को प्रॉपर तो फिर आप अपने आप से क्या कहते हैं क्या बात करते हैं क्या सोचते हैं ऑफकोर्स दिल तो टूटता है जब आप मेहनत ज़रूर करते हैं लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद ये समझ आ जाता है कि आपकी मेहनत में कसर रह गई होगी इसीलिए फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है मतलब कोई भी बुरी फिल्म बनाने के इंटेंशन से नहीं शुरू करता फिल्म